फ्रेंड्स, वेलकम टू केवी स्पेशल चैनल। आप सब जानते हो मैंने अपने चैनल पर न्यू कोर्सेज स्टार्ट किए हुए हैं डिफरेंट बीएड सेकंड ईयर स्टूडेंट के लिए, और आज से स्टार्ट कर रही हूँ बीईएस 128। नाम है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, सब्जेक्ट कोर और सब्जेक्ट है अकॉर्डिंग टू इग्नू बुक्स। और अगर कहीं और इंस्टीट्यूट से भी आप बीएड कर रहे हो तो आपको ये सब्जेक्ट देखने को ज़रूर मिलेगा। तो सभी स्टूडेंट्स के लिए ना ये वाली वीडियो जो है इक्वली हेल्पफुल रहेगी। आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। सबसे पहले मैं आप लोगों को एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्वेश्चंस बताऊंगी जो भी इंपॉर्टेंट आपसे अक्सर पूछे जाते हैं, उनके ऊपर नज़र डालेंगे। उसके बाद हम टॉपिक्स कवर करेंगे। जितना मुझे पता है आपका जो एग्ज़ाम है आई थिंक वो कल ही है, तो जितना मुझसे पॉसिबल होगा ना वो मैं करके और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बनाना चाहूँगी ताकि आप सब ना गो थ्रू कर सको। हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने तो पहले से प्रिपरेशन की हो, अगर नहीं की हो तो आप वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स करके चले जाना, आपका पेपर अच्छा हो जाएगा, अच्छे स्कोर कर लोगे। मतलब एवरेज तो बिल्कुल हो ही जाएगा। ठीक है, मेरी बेस्ट विशेज आप सबके साथ है। एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि ना बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स बच्चों ने किए हुए हैं, वेरी वेरी थैंक यू, बहुत अच्छा लगा मुझे। मतलब सारे कमेंट्स इतने ज़्यादा पॉजिटिव और इतने अच्छे थे कि मतलब मेरा दिल खुश हो गया। और हाँ, कुछ बच्चे कहते रहते कि मैम जो आपकी वीडियो से हम कर्जदार हैं आपके, ये सब इस टाइप की लैंग्वेज प्लीज़ यूज़ मत किया करो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ठीक है, और ये सोच लो कि बस ठीक है, आपको कंटेंट देखो इतनी सारी चीज़ों का मिलता है ना यूट्यूब से, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो कुछ भी, तो आप लोगों को मिलता है, तो यही सोच लो कि ये भी कंटेंट है और आप लोगों को इससे बेनिफिट मिल गया। तो इस टाइप की लैंग्वेज प्लीज़ यूज़ मत किया करो कि आपने बहुत हेल्प कर दी और ये सब, मुझे अच्छा नहीं लगता। बस पॉजिटिव मुझे बता देते हो कि अच्छा लगा, ठीक ठाक हो गया लेक्चर और आप लोगों को समझ में आ गया, वही बहुत बड़ी बात है। और कुछ बच्चों ने मुझे बताया भी कि मेरा पढ़ाया हुआ आज जो आपका एग्ज़ाम था उसमें आया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो लेक्चर सीरीज़ थी ना वो कुछ वेस्ट नहीं गई, वो आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल साबित हुई। तो ऐसा ही करना चाहूँगी कि BES 128 में टोटल यूनिट्स 8 है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन टाइम बहुत कम है, तो कोशिश रहेगी कि जितना मैं कवर करा सकूँ वो कराऊँ और बाकी के आप लोगों को इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता दूँ ताकि आप उसको गो थ्रू कर सको। ठीक है, यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, और स्क्रीन पर देख सकते हो कि सबसे पहले बताना चाहूँगी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। देखिए, टॉपिक्स बताने से पहले ना, अगर फर्स्ट टाइम चैनल के साथ जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और सब्सक्राइब के साइड में एक बेल आइकन होगा उसको प्रेस जरूर करना ताकि आपको सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहे। और वीडियोस का लिंक ज़रूर शेयर कर दिया करो जिस भी इंस्टीट्यूट के साथ, जिस भी ग्रुप के साथ आप जुड़े हुए हो, ठीक है, ताकि और भी बच्चे जान सके कि हाँ मैं आप लोगों को थोड़ा ठीक ठाक पढ़ा लेती हूँ और उनकी भी हेल्प हो सके। तो बता रही थी मैं कि हाँ, इसमें से फर्स्ट टॉपिक ये वाली यूनिट ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें ना इसमें से क्वेश्चन नहीं आता हो, तो ये वाली यूनिट तो बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। पहली बात, सबसे पहला टॉपिक जो है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटीज़, लिंग्विस्टिक, सोशो कल्चरल, इकोनॉमिक, जेंडर एंड डिसेबिलिटी। इसमें से भी क्वेश्चन आया हुआ है, पूछा गया है एलाबरेट ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटीज़ विद एग्जांपल। तो डिफरेंट टाइप ऑफ डाइवर्सिटीज़ बतानी थी, विभिन्नताएँ बतानी थी अलग अलग तरीके के, तो वो अलग अलग तरीके की डाइवर्सिटी कौन सी आ जाएगी, लिंग्विस्टिक, सोशो कल्चरल, इकोनॉमिक, जेंडर, डिसेबिलिटी, यही सब आ जाएगी। तो इसमें से मतलब कि जो फर्स्ट पॉइंट है इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है। ये वाला जो टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ सोशल एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन, तो बेटा इसमें से भी आप लोगों का पार्ट में भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जो आपके 6 पार्ट्स होते हैं जिसमें आपको 4 करने होते हैं, उसमें भी आप लोगों से पूछ लेते हैं कंसेप्ट ऑफ सोशल एक्सक्लूजन। और इसमें आपका जैसे डिस्कस द मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन इन एजुकेशन, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन ये वाला भी पूछ लेते हैं। ठीक है, ये वाला भी पूछ लेते हैं, और इस वाले में से भी क्वेश्चन आप लोगों के बिल्कुल बनते हैं। पूछा गया डिस्कस द चेंज इन पर्सपेक्टिव ऑफ एक्सक्लूजन टू इंक्लूजन, ये वाला पॉइंट आ गया। अब एक्सक्लूजन टू इंक्लूजन इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्कूल एजुकेशन, मतलब कि यहाँ से लेके ये सारा आपका इंपॉर्टेंट हो गया। मॉडल्स ऑफ डिसेबिलिटी के ऊपर आप लोगों से ना जो पार्ट वाला क्वेश्चन होता है, 6 में से 4 पार्ट करने होते हैं, उसमें पूछ लेते हैं।
अभी मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली यूनिट। लास्ट जो ये आपका टॉपिक बताए बचा इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पॉलिसीज प्रोग्राम्स एंड एक्ट्स, डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पॉलिसीज फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज इन इंडिया। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है और बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से पूछे गए हैं। एक बार पूछा डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पॉलिसीज प्रोग्राम्स एंड एक्ट्स फॉर डिसेबल्ड इन इंडिया, मतलब दो बार रिपीट हो चुका है, दो से तीन बार। एक बार और पूछा हुआ है डिस्कस द हिस्ट्री ऑफ इंक्लूजन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज इन द इंडियन कंटेक्स्ट विद स्पेशल रेफरेंस टू पॉलिसीज एट स्कूल लेवल। इस टाइप का पॉलिसीज कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अगर दिखता है ना, लैंग्वेज अलग हो सकती है, क्वेश्चन की लैंग्वेज बिल्कुल समझनी है तो वो पूछा जाता है इस वाले टॉपिक में से ही, बिल्कुल ध्यान रखना ये बात। और एक चीज़ और इसमें से दो बार पूछी जा चुकी है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पॉलिसीज प्रोग्राम एक्ट एंड एक्ट्स हम जो देखेंगे ना उसमें ना बेटा आप लोगों को ना एक दिया हुआ है राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट। ठीक है, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। तो ये वाला जो पार्ट है ना, इसमें जो पार्ट्स मैं बताती हूँ, छह पार्ट्स आते हैं जिसमें से आपको चार करने होते हैं, उसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, दो बार आ चुका है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप समझ के होंगे कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली यूनिट। आप देखते हुए चलते हैं, इस यूनिट के बारे में समझते हुए चलते हैं। ठीक है, वन बाय वन पूरी ही यूनिट करनी पड़ेगी क्योंकि एक भी टॉपिक इन्होंने छोड़ा नहीं हुआ है, तो यूनिट वन अच्छे से करेंगे। और मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि कल के एग्ज़ाम में भी आपको इस यूनिट में से पार्ट्स वाले क्वेश्चन में भी आपको एक पार्ट देखने को मिलेगा और आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। तो भरोसा रखिए और कल के पेपर का भी रिव्यू, जैसे आज कुछ बच्चों ने बताया कि आपका पढ़ाया हुआ आया हुआ था, अगर आता है कल का भी तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ जो मैंने कराया वो बच्चों का हेल्प हुआ और वो पेपर में करके आ गए। तो ये चीज़ ज़रूर करना, ठीक है, जिसके पास भी टाइम हो मुझे ना जो भी रिसेंट वाली वीडियो हो उस पर ही कमेंट करके एक मिनट लगती है बता देना कि मैम आपका जो आपने बताया था ना वो आया हुआ है। चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक, बातें तो बहुत हो गई, तो स्टार्ट कर रहे हैं हम सब पढ़ना इंट्रोडक्शन पार्ट से। इंट्रोडक्शन पार्ट भी आप लोगों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इस वाली पार्ट का जो मतलब अंदर कंटेंट दिया हुआ है ना वो आपका बहुत हेल्प करेगा। जहाँ भी आपसे डाइवर्सिटी इंक्लूजन वाला चीज़ पूछी जाए ना उस सब में आप लिख सकते हो। स्टार्टिंग का जो लिखना होता है ना एक पैराग्राफ जहाँ पर आप इंट्रोडक्शन देते हो एक तरीके से, तो वो वाला पार्ट वो कंटेंट यहाँ से रेडी होगा। अब यहाँ दिया हुआ है कि अगर बात करें डाइवर्सिटी की, बिल्कुल नॉर्मली बताती हूँ चलती हूँ, इसमें दिया हुआ है कि डाइवर्सिटी का अगर बात करें तो डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंस, विभिन्नता जो आप कहते हो, डाइवर्सिटी जो है विविधता, सॉरी विभिन्नता मैं बार बार बोल रही हूँ, विविधता होती है, तो विविधता का मतलब होता है जो अंतर होता है, बेसिकली डिफरेंस इसको कह सकते हो। तो आप जानते हैं ये जो विविधता है या ये जो विभिन्नता है ये किस बेसिस पर होती है, क्या मतलब है इसका। तो देखिए जब भी हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि जितने भी लोग हैं ना, जो भी जनसंख्या है या जो भी पॉपुलेशन है या जितने भी कम्युनिटी समुदाय के लोग हैं ना, वो हमसे कहीं ना कहीं सोशल कंटेक्स्ट में, सामाजिक संदर्भ में एक दूसरे से किसी ना किसी पहलुओं में अलग होते हैं। ठीक है, तो यही है डाइवर्सिटी जो का मेन जो बात है। इंडिकेट्स दैट अ ग्रुप ऑफ पीपल इज मेड ऑफ इंडिविजुअल्स हु आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन सम वे और द अदर, इट मीन्स कलेक्टिव डिफरेंसेज अमंग पीपल, दैट इज दोज डिफरेंसेज विच मार्क ऑफ वन ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम अनदर। एक ग्रुप जैसे हमने समूह बनाए हुए हैं ये, चाहे इसमें आप सोशल क्लास डाल सकते हो, सामाजिक वर्ग डाल सकते हो, मिडल क्लास या फिर लोअर क्लास या अपर हायर क्लास इस तरीके से जो भी बनाया हुआ है, या फिर जो आपका कास्ट सिस्टम है वो भी एक तरीके से समुदाय है, डाइवर्सिटी वहाँ भी देखने को मिलती है, या जो भी जितने अलग अलग रिलीजन्स है, जितने भी अलग अलग कल्चर देखने को मिलते हैं इंडिया में, कितने लोग कितने रिलीजन्स है, कितने कल्चर को फॉलो करते हैं, तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से, कितनी भाषाएँ बोली जाती है, तो ये सारी चीज़ें हमें एक दूसरे से अलग करती है और हमारे सोचने समझने के, हमारे जो परसेप्शन है वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी, जो भी हमें एक दूसरे से अलग करती है, जो भी हमें एक समूह का हिस्सा बना दे। तो हम सब एक दूसरे से अलग है, वही डाइवर्सिटी यहाँ पर बात की गई है। एग्जांपल्स यहाँ पर दिए हुए, और एग्जांपल्स ना बिल्कुल छोड़ो मत करो, बिल्कुल समझ लिया करो, कुछ इतना मुश्किल नहीं दिया होता। और देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए, डिफरेंसेस इन कल्चर लैंग्वेज जेंडर अपियरेंस, जेंडर अपियरेंस में क्या आ जाएगा, स्किन कलर हेयर टाइप। अब यहाँ पर भी देखिए, जैसे आप लोगों को पता होगा कि मंगोलियंस
क्यूकोसाइड और नेग्रोइड्स, तीन तरीके का डिवीज़न है। नेग्रोइड्स में जो आपके बिल्कुल ही वेस्ट इंडीज़ जिनका कॉम्प्लेक्शन बिल्कुल डार्क होता है तो वो आ जाते हैं। अगर क्यूकोसाइड की बात करूँ तो उसमें जो आपके इंग्लैंड के बिल्कुल श्वेत होते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के मतलब बहुत ज़्यादा गोरे होते हैं, वो वाले आ जाते हैं जिनका हेयर कलर भी ब्राउन सा होता है। और जो इंडियन के पीपल हैं वो मंगोलॉइड रेस में शामिल होते हैं। तो इस तरीके से भी जो बाइफर्केशन किया हुआ है ये भी एक तरीके से डाइवर्सिटी को ही शो कर रहा है। तो यही बात कही है कि फिजिकल अपीयरेंस, चाहे वो स्किन का कलर है, चाहे वो हमारे हेयर टाइप है, चाहे उसमें कर्ली आ गए, चाहे उसमें ब्लैक आ गए, चाहे उसमें ब्राउन आ गए, चाहे उसमें वाइट हेयर आ गए, ग्रे आ गए, तो ये सारी चीज़ें हमें एक दूसरे से जो अलग करती है, एक समूह में बांटती है। जो भी लोग एक साथ रह रहे हैं तो उस सब में बात हो रही है। लाइफस्टाइल हो गया, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस हो गया। आप सोशल इकोनॉमिक स्टेटस में ही आप लोग अपना डाल सकते हो, जो आपका अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, ये सारी चीज़ें आ जाएगी। और फैमिली स्ट्रक्चर आ गया, एबिलिटीज़, जो भी एबिलिटीज़ आपकी है, फिज़िकल, सोशल, क्रिएटिव एंड इंटेलेक्चुअल, वैल्यूज़, बिलीव्स, जो भी आपको एक दूसरे से अलग करती है वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। तो ये सब डाइवर्सिटी को रिफ्लेक्ट कर रही है और यही डाइवर्सिटी का एक तरीके से कह सकते हो कि कंसेप्ट है। अब आगे बढ़ते हैं। कहा है कि ऑन एन एनालिसिस ऑफ डाइवर्सिटी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यूनिफॉर्मिटी, द टर्म डाइवर्सिटी इज़ एन एंटोनिम ऑफ यूनिफॉर्मिटी। एंटोनिम मान सकते हो, विपरीत मान सकते हो। यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या है कि एक समान, जो बिल्कुल सेम होगा। और डाइवर्सिटी का मतलब क्या होगा, जो विभिन्न होगा, जो अलग होगा। तो इसका मतलब इसको हम कह सकते हैं कि यूनिफॉर्मिटी का ये क्या हो गया, एंटोनिम हो गया। यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या है कि जो सिमिलैरिटी होगा, सिमिलैरिटी उसमें हमें कुछ ना कुछ देखने को मिलेगी, कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें सिमिलर देखने को मिलेगी। हाँ, तो स्क्रीन पर देख रहे हो कि यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या हुआ कि सिमिलैरिटी होगी, कुछ सॉर्ट ऑफ सिमिलैरिटी हमें देखने को मिलेगी। डेट कैरेक्टराइज अ ग्रुप ऑफ पीपल। यूनी का मतलब क्या होता है, यूनी का मतलब होता है वन, एंड फॉर्म का मतलब होता है रेफर्स टू कॉमन वेज। सो व्हेन देयर इज समथिंग कॉमन टू ऑल द पीपल इन फोकस, वी से देयर इज यूनिफॉर्मिटी इन दैट ग्रुप ऑफ पीपल। तो मतलब कॉमननेस हमें देखने को मिलती है किस चीज़ में, यूनिफॉर्मिटी में। और डाइवर्सिटी की अगर बात करेंगे तो वहाँ पर हमें कुछ डिफरेंस देखने को मिलता है। व्हेन स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल, मेंबर्स ऑफ आर्मी, पीपल और द नेवी वियर द सेम टाइप्स ऑफ ड्रेस। जिस तरीके से कोड होता है ना, यूनिफॉर्म कोड होता है स्कूल में, डाइट्स में, या नेवी में, या आर्मी में, पुलिस में, तो वो सारी चीज़ें हमें क्या देखने को मिलती है, उसको ही हम कह सकते हैं यूनिफॉर्म। ऑन द बेसिस ऑफ देयर ड्रेस और यूनिफॉर्म के बेसिस पर हम कह सकते हैं कि उसके अंदर एक यूनिफॉर्मिटी है, सबके अंदर एक यूनिफॉर्मिटी है। तो ड्रेस के अकॉर्डिंग हम ये चीज़ कह सकते हैं। अगर डाइवर्सिटी की बात करें तो यूनिफॉर्मिटी इज़ ऑल्सो अ कलेक्टिव, लाइक डाइवर्सिटी दस यूनिफॉर्मिटी इज़ ऑल्सो अ कलेक्टिव कंसेप्ट। व्हेन अ ग्रुप ऑफ पीपल शेयर अ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक, बी इट लैंग्वेज, चाहे वो लैंग्वेज में हो जाए, अब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ड्रेस से ही इसका एग्जाम्पल लिया जा सकता है यूनिफॉर्मिटी का, चाहे वो लैंग्वेज हो जाए, चाहे वो कल्चर हो जाए, रिलीजन हो जाए, इन सब में कोई भी आपको सिमिलैरिटी देखने को मिल रही है तो उसको आप कह सकते हो कि यूनिफॉर्मिटी है। It is understood to depict uniformity with reference to characteristic in focus. But when there are group of people hailing from different races, जब हम देखते हैं अलग अलग ग्रुप के पीपल अलग अलग रेसेस से बिलोंग करते हैं, अलग अलग रिलीजन को मानते हैं, अलग अलग कल्चर को सेलिब्रेट करते हैं, तो हम कह सकते हो कम तो हम कह सकते हैं कि ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डाइवर्सिटी को, विभिन्नता को या विविधता को रिप्रेजेंट कर रहा है। Clearly denoting that diversity means variety. तो diversity को हम कह सकते हैं कि diversity का मतलब होता है variety. The scope of diversity widens as social group that are identified as marginalized use a variety of strategies to make their issues acknowledged and accepted by the society. At the same time, subsumed in the notion of diversity is the understanding that certain differences may bring specific disadvantage to the persons in terms of his or her social position and life chances, whereas others may not to the same extent. तो कहा गया है कि अगर diversity की बात करें तो ऐसा है कि diversity का scope जो बढ़ जाता है, social group जो हमें identified लगते हैं उसमें बहुत सारी strategies हो जाती है। जो marginalized group है तो वो अपनी अपनी जो भी आवाज़ उठाना चाहते हैं वो चीज़ करते हैं, या फिर एक तरीके से कई बार यह डिसएडवांटेज का भी काम करता है, एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है।
डिसएडवांटेज ये हो जाता है कि कुछ लोगों की जो सोशल क्लास है, सोशल पोजीशन है, लाइफ चांसेस, इन सब पर भी ये एक तरीके से इम्पैक्ट करता है. तो डाइवर्सिटी इज़ नॉट सिंपली अ डिस्क्रिप्टिव टर्म, इट इम्प्लाइज एन आइडियोलॉजिकल पोजीशन दैट वैल्यूज एंड रिस्पेक्ट कल्चरल प्लूरलिज्म एंड सपोर्ट्स इट्स प्रिजर्वेशन विद इन अ सोसाइटी. अब यहाँ से ना आप लोगों को, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम ने क्या गोल गोल बात घुमा दी. गोल गोल बात नहीं घुमा रही हूँ, देखो सीधा सी बात बताती हूँ. बिल्कुल एक स्पष्ट कह लो कि देखो आप लोगों को विविधता देखने को मिलती है अपने सामने. अब रिलीजन की, अगर रिलीजन का एक एग्जांपल मैं ले लूँ और रिलीजन के ऊपर कितना हमें देखने को मिलता है. देखिए रिलीजन में हमारी डाइवर्सिटी है, बिल्कुल हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब अलग अलग है. और फिर हमें जो डिफरेंस हमें जो देखने को मिलता है माहौल, जो भी इलेक्शन से पहले हिंदू मुस्लिम होता है या फिर आप कह लीजिए जितने भी दंगे फसाद होते हैं, या क्रिश्चियंस को कहा जाता है कि क्रिश्चियंस सबका धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं, इस टाइप की जो चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं ये ना डिसएडवांटेज का भी काम करता है. इस तरीके की सोसाइटी होनी चाहिए, डाइवर्सिटी जो है ना इस टाइप की होनी चाहिए कि जहाँ पर एक ऐसी पोजीशन हो, एक ऐसी आइडियोलॉजिकल पोजीशन हो जहाँ पर हर एक कल्चरल प्लूरलिज्म, जो हमें कल्चर में विविधता देखने को मिलती है या फिर जो हमें रिलीजन में विविधता देखने को मिलती है या जो भी आसपास में हमें विभिन्नता देखने को मिलती है ना, उन सब की रिस्पेक्ट की जाए और एक टॉलरेंस हो सबके अंदर. एक धर्म और दूसरे धर्म के लोग आपस में प्यार से रहे, भाईचारा की भावना हो, प्यार की भावना हो, बंधुत्व की भावना हो, देशभक्ति की भावना हो, सबके अंदर समान रूप से. तो वो है जो आप पढ़ते हो ना, अनेकता में एकता, भारत में अनेकता में एकता, तो वही चीज़ होनी चाहिए. तो वो सारी चीज़ें ना इसके ऊपर तो आप बिल्कुल खोल के अच्छे से लिख दोगे, मुझे पता है. तो ये आपका दिया हुआ है क्या इंट्रोडक्शन पार्ट हो जाता है. अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर. सो स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो नेक्स्ट टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक कह सकते हो इस यूनिट का, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटीज लिंग्विस्टिक सोशियो कल्चरल इकोनॉमिक जेंडर एंड डिसेबिलिटी. तो बेटा ये वाला जो टॉपिक है मैंने बताया हुआ है कि इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है और इस ये यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. कल आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ इसको इस वाली यूनिट में से देखने को मिलेगा. तो मैं अच्छे से बिल्कुल सारे टॉपिक्स क्लियर करना चाहूँगी और देखते हैं वन बाय वन सभी डाइवर्सिटीज़ को, जितनी भी टाइप की ये दी हुई है ना, हर एक को देखेंगे बिल्कुल अच्छे से ताकि कुछ भी ना छूटे और आप अच्छे से कर सको. तो देख सकते हो स्क्रीन पर कि लाइक मैनी अदर कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड, इंडिया इज़ प्लूरीलिंगुअल. आप लोगों को पता है कि भाषा के जो बेसिस पर डाइवर्सिटी है वो आपको पता है कि कितनी ज़्यादा है. जगह जगह पर वो कहते हैं ना कि थोड़ी थोड़ी दूरी पर जो बोली बदलती जाती है, इतनी सारी बोलियां हैं, इतनी सारी भाषाएं हैं, डायलेक्ट्स कितने सारे हैं. थोड़ा थोड़ा आप दूरी मतलब चलते जाओ, सफ़र तय करते जाओ, कुछ कुछ किलोमीटर्स के बाद ही आप लोगों को लहजे में परिवर्तन, कुछ अलग अलग शब्दों का चयन चेंज हो जाता है, बोलने का स्टाइल अलग हो जाता है, एक्सेंट अलग हो जाता है. तो वो जो चेंजेस देखने को मिलते हैं वो सारा लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के अंदर ही तो आता है. तो कहा कि इंडिया इज़ प्लूरीलिंगुअल, मतलब कि ये जो हमारा जो देश है वो बहुभाषिक है, यहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है. द लैंग्वेज कन्वेस इन इंडिया इज़ लाइक ए मोसाइक विद एन ओवरवेलमिंग वैरायटी ऑफ पैटर्न्स ऑफ स्पीच वोवन टुगेदर इन एन ऑर्गेनिक होल. बिल्कुल आप लोगों को पता है कि किस तरीके से अलग अलग भाषाएँ बोली जाती है. इट इज़ यूजुअली डिफ़िकल्ट टू अटैच लैंग्वेज लेबल्स टू द वेरिड स्पीच पैटर्न्स अक्रॉस लोकल्स. देर इज़ सेल्डम एनी कंसेंसस ऑन द डिलेमा अबाउट डिलिनेटिंग बिटवीन लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स विद अ रीजन्ड आउट आर्ग्यूमेंट फॉर टेकिंग ए स्टैंस. अ काउंटेबल प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन इज मल्टीलिंगुअल. तो ये सारी चीज़ें ना, इतनी ज़्यादा बुकिश लैंग्वेज मत लिखना. मैं तो कहूँगी कि कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है इस टाइप की बकवास चीज़ें. सीधी सी बात तो आप इसमें ना डाल सकते हो जो भी आप लोगों के पास नॉलेज है ना कि इंडिया तो एक प्लूरीलिंगुअल है, बहुभाषिक है. ये सारी चीज़ डाल सकते हो कि इतनी सारी डायलेक्ट्स और लैंग्वेजेस बोली जाती है. और यहाँ पर थोड़ा सा मेंशन कर सकते हो, इतनी सारी प्रिपरेशन की हुई है ना, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह के बारे में पढ़ा हुआ है. तो 8th शेड्यूल मेंशन कर देना. आप लोगों को क्या करना, आपके पास कंटेंट होना चाहिए. बुकिश लैंग्वेज नहीं, आप लोगों के पास है कंटेंट और वो कंटेंट आप लोगों को यूज़ करना है, ठीक है. तो 8th शेड्यूल में जो आपकी 22 भाषाएं दी हुई है, किस तरीके से इंडिया की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए. हिंदी हमारी राजभाषा है लेकिन राष्ट्रभाषा
कोई भी नहीं है। ऐसी बात की जाती है कि राष्ट्रभाषा हिंदी बना दे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कभी भी, क्योंकि इंडिया एक प्लुरिलिंगुअल कंट्री है। तो ये सारी चीज़ें उसमें डाल के आ जाना कि किस तरीके से जो हम एक दूसरे की भाषाओं की रिस्पेक्ट करते हैं, अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग डायलेक्ट्स बोले जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी में डाल के आ सकते हो। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पर। इतनी ज़्यादा वो मत करना, हेक्टिक मत करना, मतलब कि बहुत ज़्यादा ये रट्टे मत मारना, बिल्कुल समझ के और अपनी तरफ से करके आ जाना। नेक्स्ट आ जाता है सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी, सामाजिक सांस्कृतिक विभिन्नता। इसमें क्या दिया हुआ है इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो जैसा आपको नाम से ही पता चल रहा है कि जितने भी हमारे समाज में जितनी भी सांस्कृतिक संस्कृति है हमारी, जो भी कल्चर हम अलग अलग फॉलो करते हैं ना, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएगी, वो जो हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है वो चीज़। ठीक, तो आप लोगों को पता है कि इंडिया क्या है, एक मल्टी कल्चरलिज्म को फॉलो करता है। और इसके अंदर अगर बात करें तो अलग अलग जो सोशल स्ट्रक्चर या अलग अलग जो लोगों की मान्यताएँ है या अलग अलग जो हमारी रिचुअल्स जो हम फॉलो करते हैं, ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, जो हमारी परंपरा है, जो हमारे विश्वास है, जो हमारी मान्यता है, जिस तरीके से हम वे ऑफ लिविंग है हमारा, जो भी हम देवी देवताओं को मानते हैं, जो भी हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, तो वो सारी चीज़ें ना इसके अंदर आ जाएगी। एंड द स्ट्रेटेजीज द कल्चर एडहेयर टू फॉर अडेप्टिंग टू लाइफ सिचुएशन इन वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। फ्रेज कल्चरल डाइवर्सिटी, द फ्रेज कल्चरल डाइवर्सिटी इज ऑल्सो समटाइम्स यूज टू मीन द वराइटी ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज और कल्चर्स इन अ स्पेसिफिक रीजन और इन द वर्ल्ड। तो कल्चरल डाइवर्सिटी को हम जब बात करते हैं तो इसमें सारी ह्यूमन सोसाइटीज़ की बात आ जाती है कि जितना भी एक स्पेसिफिक रीजन में जो कल्चर है अलग अलग, या फिर पूरे वर्ल्ड में जो कल्चर है, तो उस सब के बारे में इसकी बात आ जाती है। ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर्स ज्योग्राफिकल हिस्टोरिकल and religious influence have woven। तो आप लोगों को ये तो पता ही है कि किस तरीके से पहले जो हमारी संस्कृति थी या फिर जो भी जितनी भी चीज़ें हैं, सबके ऊपर influence हुआ है, geographical, historical, religious influence हमें देखने को मिलता है। have woven the colorful fabric of Indian culture, one of the oldest known to humanity। the complex demographic प्रोफाइल लेफ्ट इन आवर सोसाइटी बाय द डिस्टिंक्टली डिफरेंट लुकिंग आर्यंस एशियंस। तो ये चीज़ें है ही कि किस तरीके से हमारा जो डेमोग्राफिक, आप लोगों को पता है क्या मतलब पॉपुलेशन, जो आपने देखी है जो पॉपुलेशन का प्रोफाइल है हमारी सोसाइटी में, अलग अलग हमें सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। किसी टाइम पर हमने आर्यंस को देखा है, जिसे कहा जाता है कि वो ईरान से वहाँ से आए थे, एशियंस, द्रविडियंस। तो ये सारी चीज़ है, has been the forerunner of our socio-cultural diversity in many ways, religion in many forms in the basis of our cultural context. This is enmeshed with every aspect of life and culture in India and is a prime factor that contributes to diversity. In fact, every region within a state of India has its own identity. तो ये तो चीज़ बिल्कुल सत्य है कि जितने भी region हैं हमारे देश के अंदर, सबका जो अलग अलग diversity को contribute करता है, विविधता हमें देखने को मिलती है उसको contribute करता है, और सबका अपना rich cultural heritage है, सबका अपना, हर स्टेट का, हर रीजन का अपना रिच कल्चरल हेरिटेज है जो कि एक दूसरे से अलग है। जितने भी नेबरिंग रीजन हैं या जो भी अलग देश है, दूसरे देश है, उनको हमें अलग करता है। मतलब हर कंट्री का, सिर्फ इंडिया का ही एग्जांपल नहीं, किसी भी चीज़ का आप एग्जांपल, किसी भी देश का एग्जांपल ले सकते हो कि हर देश में ना अलग अलग संस्कृति पाई जाती है जो हमें अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ या जो डिफरेंट कंट्रीज़ है उनसे अलग करता है, और हमारी एक अलग पहचान भी बनती है। जो भी हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, जितने भी अक्रॉस द स्टेट्स हमें रिलीजन्स देखने को मिलती है, रिलीजियस रिचुअल्स देखने को मिलती है, जैसे अगर शादी की परंपराओं की बात करें तो वो चीज़ें कितनी अलग अलग होती है, कितनी सारी मान्यताएं होती है, वो सारी चीज़ें आ जाएगी। या जो भी हमारे विश्वास है, जिसको भी हम पूजते हैं, जो भी कल्चर, जो भी फेस्टिवल्स, जितने भी त्यौहार हम सेलिब्रेट करते हैं, आप लोगों को पता है कि अलग अलग जगह पर अलग अलग बनाए जाते हैं, कहीं पर बैसाखी, कहीं पर नुखोई, किसी कहीं पर अलग अलग बहुत सारे फेस्टिवल्स है, डांस फॉर्म्स है जो हमें एक दूसरे से अलग करती है। डांडिया हो गया, लावणी हो गया महाराष्ट्र में। तो ये चीज़ है कि किस तरीके से ये डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है, जो हमारे कल्चरल हेरिटेज को एक यूनिकनेस प्रदान करता है, जो हमें एक दूसरे से अलग बनाता है और हमारी एक अलग पहचान बनती है।
तो ये है आपका सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी के अंदर। अब आ जाते हैं फटाफट से इकोनॉमिक डाइवर्सिटी के ऊपर। इकोनॉमिक डाइवर्सिटी में बताया गया है कि द वेरिड लेवल्स ऑफ सोशल क्लासेस एंड द गैप बिटवीन दीज हैव बीन इंक्रीजिंगली कंट्रीब्यूटिंग टू डाइवर्सिटी इन आवर सोसाइटी। जो आपके सोशल क्लासेस है, जो आपके सामाजिक वर्ग है, क्लासेस है, और जो उनके बीच में जो गैप है, वो एक तरीके से सोसाइटी में डाइवर्सिटी का ही काम कर रहा है। फ्रॉम द टाइम द कास्ट सिस्टम गॉट रूटेड इन आवर कंट्री, कास्ट सिस्टम का आप लोगों को पता है कि किस तरीके से एजुकेशन को अपर कास्ट पीपल तक कहा गया कि जो एजुकेशन है वो अपर क्लास पीपल को ही मिलेगी, किस तरीके से जो लोअर क्लास पीपल थे उनको इतना स्ट्रगल करना पड़ा, विमेन को स्ट्रगल करना पड़ा मेन की तुलना में। तो ये सारी चीज़ें इसमें डाल के आ सकते हो कि क्लास डिफरेंस किस तरीके से रूटेड थी। हु न्यू संस्कृत, द सीड्स ऑफ क्लास डिफरेंसेस ऑल्सो गॉट सोन इन आवर सोइल। दस द मनी पावर रिलेटेड टू कास्ट एंड क्लास गेव राइज टू इकोनॉमिक डिफरेंस। जो मनी पावर है उसने कहीं ना कहीं कास्ट और क्लास पावर रिलेटेड टू कास्ट एंड क्लास गेव राइज टू इकोनॉमिक डिफरेंसेस। तो इससे क्या है, हमें आर्थिक जो अंतर है वो देखने को मिलता है एंड एडेड येट अनदर डायमेंशन टू आर डाइवर्सिटी। और इसके बेसिस पर ही, इसी वजह से अर्थव्यवस्था के शायद अर्थव्यवस्था ही कहते हैं, उसके बेसिस पर भी हमें क्या देखने को मिलता है, विविधता देखने को मिलता है। नेक्स्ट आ जाता है जेंडर डाइवर्सिटी। तो जेंडर डाइवर्सिटी आप लोगों को पता है कि जेंडर जो है एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, मतलब सामाजिक रचना है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, वेयर एज सेक्स जो है वो हमारे बायोलॉजिकल स्टेटस को बताता है और जेंडर जो है वो हमारा सोसाइटी में कंस्ट्रक्टेड है। जेंडर डाइवर्सिटी रेफर्स टू द डिफरेंसेस इन द सोसाइटल आउटलुक टू पीपल अराउंड विस द सेक्स। राइट फ्रॉम एंशियंट टाइम्स अ फीमेल हैज़ बीन कंसिडर्ड एज द वीकर ऑफ द टू। अब ये वाली चीज़ जो मेल फीमेल के बारे में कि फीमेल जो होगी वो सबॉर्डिनेट पोजिशन पे होगी, मैन जो होंगे वो ज़्यादा सुपीरियर होंगे, फीमेल जो होगी वो थोड़ी सी दबके रहेगी, घर का काम करेगी, बाहर नहीं जाएगी, जितने भी आप लोगों को डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलते हैं या मिलते थे जो भी है ना, वो सारी चीज़ें जेंडर डाइवर्सिटी के अंदर डाल के आ सकते हो कि गर्ल्स और बॉयज़ में जो भी आप लोगों को चेंजेस, पोजिशन पहले क्या सोचा जाता था और अब धीरे धीरे जो बदलाव आ रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें, अगर बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है तो अच्छे से खिचड़ी पका के आ जाना इसमें, जो भी आप लोगों के आपके पास जितने भी व्यूज़ है ना वो सारे इसमें रच के आ जाना। नेक्स्ट आ जाता है एबिलिटी, डिसेबिलिटी एंड डाइवर्सिटी। तो लास्ट पॉइंट है ये, इसको भी देख लेते हैं थोड़ा। तो जो डाइवर्सिटी का कंसेप्ट है सोशल ग्रुप में, जो डाइवर्सिटी है उसी से, उसी के आप कह सकते हो दो डायमेंशन आ जाते हैं, डिसेबिलिटी और कैपेबिलिटीज़, जो क्षमता और अक्षमता है वो चीज़ आ जाती है। देखिए डिसेबिलिटी की अगर बात करें तो डिसेबिलिटी को एक वाइडली टर्म यूज़ है और जिसको, जिस कंसेप्ट को कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टूड किया जाता है। तो अगर बात करें WHO के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, तो उन्होंने कहा है कि डिसेबिलिटी जो है वो एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर इम्पेयरमेंट भी कवर हो जाती है, इम्पेयरमेंट भी इसके अंदर आ जाती है, मतलब कि आप एक्टिविटी लिमिटेशन इसके अंदर आ जाती है, आप किसी भी चीज़ में असक्षम हो, किसी कार्य को करने में आपका एक्टिविटी रुक गई है तो वो चीज़ भी इसके अंदर आ जाती है, मतलब आप पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हो किसी वजह से। इम्पेयरमेंट की अगर बात करें, देखिए अब यहाँ पर ना थोड़ा सा समझना है कि इम्पेयरमेंट की अगर बात करें तो इम्पेयरमेंट का मतलब है कि हमारी जो प्रॉब्लम है ना, डेट इज़ इन बॉडी फंक्शन और स्ट्रक्चर, हमारी बॉडी फंक्शन फंक्शनिंग में प्रॉब्लम है या फिर स्ट्रक्चर ऐसा है जिस वजह से हम वो कार्य नहीं कर पा रहे और उसकी वजह से जो एक्टिविटी है वो नहीं कर पा रहे। सपोज़ क्या हुआ कि किसी के हाथ नहीं उठ रहे है, या मतलब कह सकते हो कि पैरालाइज की वजह से, या फिर हाथ है ही नहीं, तो वो सारी चीज़ें कि एक्टिविटी लिमिट हो गई, वो लिख नहीं पा रही है इस वजह से, तो एक्टिविटी लिमिट हो गई, फंक्शन नहीं कर पा रही है, डेली लाइफ की फंक्शनिंग नहीं हो रही है, तो उस केस में आप कहोगे डेट इज़ इम्पेयरमेंट, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इम्पेयरमेंट। एक्टिविटी लिमिट हो जाएगी, इट इज़ अ डिफ़िकल्टी एनकाउंटर्ड बाय एन इंडिविजुअल इन एग्जीक्यूटिंग अ टास्क और एक्शन। कोई अगर मान लीजिए व्हील चेयर पर है, वो सभी जगह व्हील चेयर पर ही जाता है या फिर बैसाखी पर जाता है, उसके स्कूल में पहले क्या थी, रैंप लिफ्ट थी या रैंप बनी हुई थी जिस पे वो चला जाता था, व्हील चेयर चली जाती थी, लेकिन उसका न्यू स्कूल में एडमिशन हुआ, एक एग्जांपल दे रही हूँ, मान लीजिए उसका न्यू स्कूल में एडमिशन हुआ, वहाँ क्या है, वहाँ ना ही रैंप है, वहाँ ना ही लिफ्ट है, और स्टेयर्स है, सिर्फ जीना है या सीढ़ियाँ है, और सीढ़ियाँ चढ़ने में वो असक्षम है,
तो यहाँ पर आप कहोगे इम्पेयरमेंट वाली कंडीशन लागू हो जाती है, जिसकी वजह से एक्टिविटी रुक गई। वो अपना दिन प्रतिदिन का कार्य तो कर रहा था दूसरी जगह पर जब उसको थोड़ी सी सुविधा मिल रही थी, लेकिन अगर नहीं मिली तो उसका जो कार्य है ना वो रुक गया, फंक्शनिंग रुक गई। तो इसी चीज़ को आप कहोगे इम्पेयरमेंट। जब पार्टिसिपेशन में रिस्ट्रिक्शन हो जाती है और प्रॉब्लम को एक्सपीरियंस किया जाता है एक इंडिविजुअल के द्वारा अपनी लाइफ सिचुएशन में। Thus, disability is a complex phenomena reflecting an interaction between features of a person's body and features of society in which he or she lives. तो इस तरीके से बताया गया है कि disability जो है ना एक complex phenomena है, जिसके अंदर किस तरीके से एक person body interact करता है और किस तरीके से society में जहाँ वो रहता है उसके बीच में वो जो problem हो रही है, disability हो रही है, वो चीज़ आ जाती है। These definition reflect the progress made since persons with disabilities were referred to officially as spastics, imbeciles and cripples. However, they also obscure the vital distinction established by the disability movement between individual impairment and disability as social discrimination. तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। तो कहा क्या जा रहा है इसमें, कहा यह जा रहा है कि बेटा डिसेबिलिटी के बारे में ना हमारा सोच ये है कि अगर हम कह रहे हैं ना कि वो डिसेबल है तो हम क्या कहते हैं, हम सोचते हैं कि वो अपंग है, उसके हाथ पैर नहीं उठते होंगे, उसका कोई शरीर का कोई अंग नहीं होगा, इस तरीके की हमारी सोच आ जाती है, हमारे दिमाग में ऐसे ख्याल आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन डिसेबिलिटी जो है ना वो एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, जिसके अंदर ना जो नॉर्मल पीपल भी है ना वो भी डिसेबल्ड कहा जा सकता है, अगर किसी वजह से आप अपनी डेली लाइफ के नॉर्मल जो फंक्शनिंग है वो नहीं कर पा रहे हो, तो उस कंडीशन में आप भी डिसेबल कहे जाओगे। तो यही इसमें बताया हुआ है, एबिलिटी, डिसेबिलिटी एंड जो आपका डिसेबिलिटी एंड इम्पेयरमेंट और जो डाइवर्सिटी है उसके बारे में। तो इसको आप चाहो तो एक बार रीड कर सकते हो, वैसे थोड़ा तो मैंने आप लोगों को हिंट दे दिया है कि किस तरीके से जो डिसेबिलिटी का कंसेप्ट है वो काफ़ी ब्रॉड है। WHO ने भी बताया है इसके अंदर इम्पेयरमेंट भी आ जाती है इसमें, इसके अंदर जो नॉर्मल पीपल है ना जिसके अंदर आप कहते हो कि कोई डिफॉर्मिटी नहीं है तो वो भी डिसेबल्ड होते हैं। अगर किसी सिचुएशन में आप फंक्शनिंग नहीं कर पा रहे हो, किसी भी वजह से हो सकती है वो चीज़, ज़रूरी नहीं कि आपके अगर हाथ पैर नहीं काम कर रहे तभी आप डिसेबल्ड हो, या आपने डिसेबल्ड नाम सुना तो इसका मतलब ये है कि आपके दिमाग में इमेजेस आ जाएंगे कि वो तो व्हीलचेयर पे चलता होगा, या फिर वो उसको हमेशा सहारे की ज़रूरत पड़ती होगी, या फिर ऐसा कुछ होगा, डिपेंड होगा दूसरे के ऊपर, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये वाला आपका एक क्वेश्चन हो जाता है यहीं पर ख़त्म, या कह सकते हो एक टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। और आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट होना तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, पसंद आए तो लाइक करना, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में।